उन्होंने कहा था ना, इंसानियत जमहूरियत और कश्मीरियत, जिस दिन तीनों साथ होंगे तो फिर से इस कश्मीर को जन्नत बनने से दुनिया की कोई ताकत होगी। अभी हमने यहाँ पर केवल दो पोलिटिकल फैमिलीज ने बराबर सियासत सियासत और सियासत को ही तबल दिया है, इस मुल्क का विकास नहीं किया है। लंबे समय तक हम लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की है। आज मैं वैसे भारत का होम मिनिस्टर रहते हुए भी मैं गुरेज आया, लेकिन शायद यहाँ पर कभी नहीं आया। इस गुरेज की हसीन वाली को देखकर यह आप समझ में आ जाता है कि क्यों कश्मीर की वालियों को दुनिया की जन्नत का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से आता रहा हूं, लेकिन मतलब नशीली थी मेरी, शायद इस जगह पर मैं पहले नहीं आ पाया, लेकिन हमारी वो बदनसीबी समाप्त हो गई। आज मैं यहां पर पहली बार आ गया। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है मेरे दोस्तों, मैं कभी सोच नहीं सकता में इतनी गर्मजोशी के साथ मेरा इस्तेमाल। और मैं भी अपनी तरफ से आप सबका तहे दिल खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का चुनाव ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत की ताकत और उसकी मजबूती का मुजाहिरा है। ये चुनाव आपकी जमहूरियत का एहतराम है। इस मुल्क के बारे में हर इंसान का एक अहम रोला, और यह आप वोट देकर आप चाहे तो अपने इस रोल को अदा कर सकते हैं। इस देश की हाड़ी में वोट देने से चुटिया नहीं बचना चाहिए। जब से हमारी सरकार सेंटर में आई है, तब से जम्मू कश्मीर में अमन अमान के हालात में मैं बताऊं सच्चाई को कोई नकार नहीं। जम्मू कश्मीर के लिए 2014-15 में ही एक स्पेशल पीएम पैकेज उन्होंने दिया, जो आज बढ़ते बढ़ते और पीएम पैकेज 90,000 करोड़ तक हो गया, और यह रकम इतनी ज्यादा है इसका अंदाज आप किसी बात से लगा सकते हैं। इतनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने विनती कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया की। मैंने तो कहा है मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर मुझे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे, आप हमारे पड़ोसी बोलो। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। रिश्ते बना कर ये रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। दोस्तों, हम जो पैसा खर्च करते हैं वह जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जबकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एड का बेजा इस्तेमाल लंबे समय से होता चला है, दूसरे ग्रुपों से पैसे लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है उस मुल्क के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा यह जुल्म है। दहशतगर्दी का यह कारोबार अब लंबा नहीं चलने वाला है, मैं आपको यह यकीन दिलाता चाहता हूँ। कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे हमेशा जब भी हम लोगों ने जांच की है, पाकिस्तान का ही हाथ मेरा है। मैं पूरी ईमानदारी से आप कहना चाहता हूं,
पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। हिंदुस्तान की हर सरकार ने बराबर पाकिस्तान को समझाया और आपने देखा होगा कि हमारे आपने अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पैदल चलकर पाकिस्तान गए जब वहां प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ जी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबको हिंदुस्तान के हर सरकार ने पाकिस्तान को समझाया है कि अपनी जमीन पर चलने वाले टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को बंद करो मगर आज भी वह आज नहीं आ रहा। आज की थ्री सेवेंटी खराब होने के बाद पाकिस्तान इस समय वापस आया और बराबर वह कोशिश कर रहा है कि फिर से दहशतगर्दी का आलम इस जम्मू कश्मीर में फैला। नहीं चाहता है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बनी तो मेरे दोस्तों, लेकिन आप लोगों के हौसले को देखकर यह पक्का यकीन है मेरे दोस्तों अब यहाँ की जमहूरियत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, मेरा पक्का विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए यह नया हिंदुस्तान है, दहशतगर्दी के खिलाफ हम सरहद के एक तरफ ही नहीं जरूरत होगी तो सारा के उस पार भी आकर मुकाबला कर सकते हैं आगे। और जो लोग सरहद के उस पार रहकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं मैं वो सवाल आपको बताना चाहता हूँ और उनको मैं साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ कि अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी आतंकी वारदात हुई तो जहां बैठे होंगे वहां हम खुद शर्माएंगे। हम आपको विश्वास Shepherd, you know,